हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल कुकिंग विद सनराज में। मैं हमेशा आपसे कोई ना कोई रेसिपी शेयर करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। तो आज हम मसाला कॉर्न बनाएंगे। आप लोग कॉर्न तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर खाइए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मसाला कॉर्न बनाने के लिए 2 पीस भुट्टे और धनिया पत्ता लिए हैं। सबसे पहले भुट्टा को छील कर इसे साफ कर लेंगे। अब इसे उबालने के लिए पैन में पानी डाल लेंगे। उसके बाद भुट्टा और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। और इसे ढककर 10 से 12 मिनट उबाल लेंगे। बीच बीच में इसे पलट लेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से पके। भुट्टा को उबालते हुए 12 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पक भी गया है। अब गैस बंद करके इसे बाहर निकाल लेंगे। अब मसाला कॉर्न बनाने के लिए पैन गरम करेंगे। जैसे ही पैन गरम हो जाएगा 2 चम्मच बटर डाल लेंगे। उसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन और भुट्टा डालकर 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। भुट्टा को पैन में डालने के बाद इसके ऊपर बटर लगा देंगे। अब स्वाद अनुसार नमक और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद नींबू का रस डालकर गैस बंद कर लेंगे। आपको बटर खाना ज़्यादा पसंद हो तो आप फ्राई करने के बाद इसके ऊपर बटर लगाकर ज़रूर खाएं। इस तरह से खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप भी इस तरह से मसाला कॉर्न बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना, और आगे कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो लगातार मिलती रहे इसके लिए आप मेरे चैनल कुकिंग विद सनराज को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।